ये केस 1998 का है, जब सलमान खान अपने हम साथ साथ फिल्म के को स्टार के साथ शिकार पर गए थे। एक पुराने इंटरव्यू में सलमान ने बताया था कि शिकार करने का उनका मन बना कैसे था और कैसे इस पूरे कांड की शुरुआत हुई। शौक शौक में शुरू हुए इस किस्से की उन्हें आज भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भले ही काला हीरो शिकार मामले में कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन बिश्नोई समाज आज भी उनसे माफी की उम्मीद करता है। इसी वजह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिलती है। 2009 में एक टीवी में बातचीत में सलमान ने खुद बताया था कि वो कब, कहाँ और कैसे शिकार पर गए थे, कैसे उन्हें एक डरा हुआ हिरण मिला था और वो उसे बिस्किट खिला रहे थे। सलमान खान बोले, मुझे लगता है कि ये यही से आया है। एक दिन पैकअप के बाद हम सभी गाड़ी चला रहे थे। हम सैफ थे, तब्बू, नीलम, अमृता थी, सोनाली थी और हमने एक झाड़ी में फंसे हिरण के बच्चे को देखा। पूरा झुंड वहां था, इसलिए मैंने कार रोकी और वो डर गया। हमने उसे वहां से बाहर निकाला और उसे थोड़ा पानी पिलाया। वो डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने बिस्किट खाया और वो भाग गया। हमने उस दिन जल्द ही सामान समेट लिया था। हम सब एक साथ जा रहे थे। मुझे लगता है कि वहीं से यह सब शुरुआत हुआ है। एक वायरल इंटरव्यू में सलमान ने कहा था कि उन्हें ब्लैक बक को नहीं मारा था, वो गलती किसी और की थी। सलमान ने कहा था कि ये लंबी कहानी है, असल में मैं वो नहीं जिसने काले हिरण को मारा था, कोई मतलब नहीं, ये हंटिंग करता है, ये बदतमीजी करता है, इसी ने इसको मारा है। अरे आपको उस सच का 1% भी नहीं पता है, सिर्फ इसलिए कि मैं दुनिया को कुछ कह नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, मैं चुपचाप रहना सही समझता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ कह नहीं सकते। हर किसी को अपनी इज्जत है, अपनी अपनी प्रायोरिटी है, ये इंडस्ट्री है। आपके पास इतना हक नहीं होता कि कुछ भी कह दो। आपका कुछ ना कहना ही बेहतर होता है। मैं वो कह सकता हूँ जो मैं फील करता हूँ, लेकिन अगर उसने किसी और का नाम शामिल है तो मैं उस बारे में नहीं बात कर सकता। मैं कर्म विश्वास रखता हूँ। कुछ भी गलत होता है तो उसका खामियाजा मुझे अगले दिन भुगतना पड़ता है।